छोटा सा कोना मिल गया है साइड में, यहाँ रोक के हम देखते हैं। भाई बात करें चिकन की, तो भाई चिकन मैं सोच रहा हूँ दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो दोस्तों आज हम आए हैं बहुत तगड़े एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, और बड़ा मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, क्योंकि हम करने वाले बहुत तगड़ा एक एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हमने सोचा बुलेट होती तो बहुत ज्यादा हीट है, तो हमने सोचा इसके हीट के ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो एक्सपेरिमेंट किस चीज का ये मैं आपको बताता हूँ, इधर आ जाओ एक बार। ये हम लेकर आए चिकन का एक स्लाइस, इसमें तेल मिर्च मसाला सब कुछ है। इसको अभी हम ऐसे फोल्ड करने वाले हैं, और इसको फोल्ड करने के बाद सही से हो जा, ये हो गया फोल्ड। अब ये फोल्ड होने के बाद इसको हम साइलेंसर में यहाँ कहीं पे इसको अपना किसी ना किसी जुगाड़ से हम बांध लेंगे। वो भी जुगाड़ क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। इसके बांधने वगैरह के लिए हम सारा जुगाड़ लेके आए हैं। इसको बांधने के बाद हम इसे पकाने की कोशिश करेंगे, अगर ये पक गया तो हम इसे खाएंगे भी, और अगर नहीं पका तो देखते हैं क्या करना है इसका। बाकी ट्राई तो यही करूंगा कि ये पक जाए। अब देखते हैं इसे पकने में कितना टाइम लगता है। एक तो यहाँ बांधते हम, और एक को बांधते हैं ऊपर ताकि कहीं पे स्लिप ना हो। ग्लास वगैरह सब कुछ लेके आए थे अपने साथ, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम देख लेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है ये और कहीं लगाने की जरूरत है। अब इतने में देखते हैं, अगर इसके अंदर पक गया तो फिर मजा आ जाएगा। हम साथ में खाएंगे, हम तीनों यहाँ पे मजे से एंजॉय करेंगे चिकन के साथ। तो बाकी यहाँ से हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कहाँ तक ये पकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इसको पकाने का प्रोसेस चालू करते हैं। ओवन ये रख लो भाई। बाकी दोस्तों हमने चिकन को यहाँ पे फिट कर दिया है, देख सकते हो आप अगर आपको दिख रहा होगा तो। और बाकी हम इसे चलाते हैं थोड़ी सी तेज और करते हैं इसे गर्म। गाड़ी जितना गर्म होगी उतनी जल्दी हमारा चिकन पकेगा। अब देखते हैं, इतना हीट तो होता है कि ये अच्छे खासे जूते वगैरह जल जाते हैं इसमें, तो चिकन तो पक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कितना टाइम लेता है। हम इसको 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे हम चिकन को, ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। अगर एक तरफ से कम पका होगा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो अगर अच्छे से पक चुका होगा तो हम इसे चेंज कर देंगे। बाकी मैं एक्साइटेड तो हूँ कि चिकन पक जाए, अगर कच्चा रह गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने चिकन भी लगाया, मेहनत भी करी, और वो पके भी ना और खा भी ना पाए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बाकी पक गया तो ऐसा लगेगा मेहनत हमारी मस्त चली गई, और हमें थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा चिकन खाने में, क्योंकि उसमें नमक वगैरह सब कुछ मैं डाल के लेके आया, स्पाइसेस वगैरह। बाकी दोस्तों अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में मज़ा आए, और हम अच्छी अच्छी तरीके की वीडियो लेके आए, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ, कुछ रिव्यू के साथ, या कुछ रेसिंग के साथ। काफ़ी टाइम से मैं अपनी सुपर बाइक के साथ राइड पे भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि अभी ऐसी वीडियो वगैरह बना ले रहा हूँ मैं, और जो हमारा ग्रुप था वो सारे बिखर गए हैं, तो अभी मैं ग्रुप से भी एग्जिट हो गया हूँ, क्योंकि देखता हूँ दूसरे ग्रुप में अगर होगा तो ज्वाइन करूँगा, नहीं तो हमारा ग्रुप अगर कंटिन्यू करेगा तो हम उसी में कंटिन्यू राइड करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि संडे का प्लान रखूँ एक राइड बनाने का अपना सुपर बाइक के साथ, और अगर नहीं बना तो हम अपनी बुलेट के साथ और अपनी अपाची के साथ 180 के साथ दोनों में ड्रैग करेंगे, और देखते हैं दोनों के ड्रैग में कौन सी गाड़ी जीतती है। बाकी हम कल वीडियो शूट कर रहे थे तो बुलेट में पवन का उंगली जल गया थोड़ा सा, तो उसी से मेरे को थोड़ा सा ऐसा आया कि यार इससे ना जब उंगली जल गया तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया जाए, तो हमने सोचा एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मुझे किसी ने आइडिया दिया, मेरा आइडिया तो नहीं था ये, तो जिसने आइडिया दिया उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, ये थोड़ा सीक्रेट है। तो मैंने सोचा चलो भाई चिकन के साथ फिर करते हैं, इन्होंने सही आइडिया दिया है।
बाकी टाइम आने पे उसका नाम मैं जरूर बताऊंगा कि किसने ये आइडिया दिया था मुझे चिकन पकाने का। इस पे बाकी दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल सके कि भैया इसको कैसे पकाया है, नहीं पकाया है, कितना टाइम लगा है। अभी हम यहाँ से कश्मीरी गेट पार करेंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे चिकन को और फिर देखते हैं इसमें कहाँ तक पका है या नहीं पका। में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा नहीं होगा इतनी जल्दी। बाकी हम कश्मीरी गेट पहुँच चुके हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद साइड में कहीं लगाते हैं हम बाइक को और फिर हम इसे चेंज करके देखते हैं चिकन को दूसरी साइड पे, और इस साइड से पका या नहीं पका ये भी हम एक बार देख लेंगे। उम्मीद है मुझे कि पक चुका होगा क्योंकि इतनी जल्दी तो ये गर्म हो जाता है बुलेट का साइलेंसर। और जिस जगह पे मैंने उसे बांधा है उस जगह का कलर भी ना नॉर्मल जैसे रहेगा घर पे या कहीं पे भी खड़ी रहती है गाड़ी, ठंडी रहती है जब, तो उसका सिल्वर कलर आता है, बट जब वो हीट हो जाता है तो उसका टाइटेनियम कलर, मतलब उसमें रंग बिरंगे कलर आ जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, उससे पता भी चल जाता है कि कितनी हीट है गाड़ी की। बट पर जब ठंडी होती है दोबारा तो फिर वो नॉर्मल कलर पर आ जाता है। अभी थोड़ा आगे जाते हैं हम, रोकेंगे अपनी बाइक को और फिर देखते हैं हम इसमें क्या रिजल्ट आया है एक साइड का। बस ये छोटा सा टनल में निकल जाऊँ तो यहीं पे रोकते हैं साइड में। ये हमें एक छोटा सा कोना मिल गया है साइड में, यहाँ रोक के हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो इसमें से स्मोक भी आ रहा है और मुझे लगता है कि ये पक चुका होगा अंदर से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा में धुआं निकल भी रहा है इसमें से, देख सकते हो आप। बाकी इसको एक बार हम खोल के देखते हैं कि ये कितना पका है। आजा भाई तेरे को चिकन की खुशबू आगे लग रहा है, आजा 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 चिकन खा ले आजा। तो दोस्तों अब इसको हम खोल के देखते हैं, ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है और ये निकल भी जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम। और बाकी ये हमने निकाल दिया और ये अभी तक वेट कर रहा है, इसे पता चल चुका है इसके अंदर शायद चिकन है, तो इसे अभी मैं खोलूँ या नहीं खोलूँ मैं ये सोच रहा हूँ, और या मैं इसको इस तरफ से घुमा के रख दूँ। देखो मैंने जैसे कि कहा था ना इसका टाइटेनियम कलर आया था, रंग बिरंगे कलर हो जाते हैं, बाकी ये नीचे का तो नॉर्मल है, ये चेंज हो गया है और ये हीट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाकी हम तो दोस्तों थोड़ा प्लान में चेंज है, मैंने इसको अभी खोल के नहीं दिखाना आप लोगों को, बाकी मैं इसको दिखाऊंगा पूरा पकने के बाद क्योंकि मैंने अभी देख लिया है कि ये कितना पका है या नहीं पका। अब मैं पूरा रिजल्ट आपको वीडियो के एंड में ही दिखाऊंगा, तो एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा पता चल सके ये चिकन पका के नहीं पका। और बाकी ये अभी तक वेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए अलग से हमारे पास दूसरा पीस है तो वो वाला पीस हम इसे दे देंगे डॉगी को, बाकी इसको पकने देते हैं और देखते हैं हम आगे जाके कि ये फाइनल पका या नहीं पका। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों रिजल्ट जानने के लिए। बट इसमें से स्मोक निकल रहा है और एक बार हम इसको खोल के देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो चुका है। ये देख लीजिए इसका हालत, और ये गर्म बहुत ज़्यादा है। बाकी भाई बात करें चिकन की, तो भाई चिकन मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, पहले तो मैं देखूँगा अकेले। अबे भाई ये तो बहुत गर्म है और थोड़ा सा हीट के कारण ये हल्का सा जलने जैसा भी हो गया है, बट ये जला नहीं है। और पकने की बात करें तो एकदम मस्त पक भी चुका है। तो विशाल एक बार इन्हें दिखा दे भाई, देखो ये जला हुआ था, मैं ऐसे करके निकाल दूंगा और ये देख सकते हो आप चिकन पूरी अच्छी तरीके से पक भी चुका है।
ये पक चुका है, बाकी इसको खाने के बाद ही बता पाएंगे ये कैसा है। तो एक बार सबसे पहले तो मैं इसे मैं ही खाऊंगा, तो जला हुआ पहले मैं निकाल दूं इसमें से। खाओगे इसे? भाई मैं नमक मिर्च मसाला हम सब इसमें डाल के लेके आए थे, बाकी ये पक तो चुका है। ये ना जो बारबेक्यू होता है ना जिसमें हम सीख बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही फ्लेवर है इसका, और मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है खाने में। चेक कर रहा हूँ मैं भी कैसा खाने में लग रहा है। अगर आप लोग जैसे लंबा टूर मारने आओ ना लद्दाख वगैरह, मेरी हालत थोड़ी खराब हो रही होगी, अगर आप लद्दाख वगैरह लंबा टूर मारने आ रहे हो तो चिकन भर लो बैग में थोड़ा बर्फ वगैरह डाल के, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहो और जगह जगह चिकन खा लो, गैस वैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल ही, मतलब खाने में बिल्कुल ही बेकार नहीं लग रहा, एकदम सही लग रहा है, बेकार क्यों लगेगा भाई, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। ऊपर से ना जो इसका जिस साइड हमने इसको रखा था ना जो इसका बेस था वो थोड़ा क्रंची भी है, तो ये हमें KFC चिकन का भी याद दिला रहा है। ये वाला खा के देख, ये थोड़ा क्रंची भी है। बाकी दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट करने में हमें थोड़ा मेहनत भी करना पड़ा, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। और बाकी आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक प्लीज करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना, ताकि हम ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी बना के अपने हिसाब की वीडियो वो हम बना के आपको दिखाते रहें। बाकी ये चबाते पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बोनलेस है तो इतनी ईजिली तो ये ख़त्म होगा नहीं, चबाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसे। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहा करते भाई।